Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सरकारी नौकरियों के नाम पर की करोड़ों रुपयों की ठगी। सरकारी नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद आदि जिलों में सैकड़ों युवाओं से की करोड़ों रुपए की ठगी। युवाओं को ठगने के लिए करते थे उत्तर प्रदेश शासन लिखी हुई गाड़ी का इस्तेमाल। ठगी के शिकार हुए बच्चों को सौंप दिए जल निगम के ज्वाइनिंग लेटर भी। 7 जनपदों से करीब 300 लोगों से 30 करोड़ रुपए की ठगी के शिकार हुए। बच्चों के अभिभावक पहुंचे मेरठ, आरएलडी के बैनर तले किया कमिश्नरी पार्क में धरना प्रदर्शन। इनाम पुत्र उमरदीन बागपत, नीरज पुत्री कृष्णपाल बागपत बताए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना विनोद मलिक ने दी यह जानकारी। क्या आपका नाम है, मैं जानना चाहूँगा आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, क्या उसका कारण? इसका कारण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में गैंग सक्रिय है। वो नौकरी के नाम पर ठगी करता है और कहता है कि हमारे जो है रसूख केशव प्रसाद मौर्य और पाठक जी जो मुख्यमंत्री है उनसे है और हम उनसे आप लोगों की भर्ती करा देंगे। तो हमारे जो 7 जनपदों के जो कैंडिडेट थे उन लोगों को भगा करके करीब 300 कैंडिडेट जिनको भगाया गया, जो तो करीब इसमें से 50 हमारे संपर्क में हैं और इनसे जो है पैसे लेकर के इनकी जल निगम में नौकरी लगाने की बात की। और इसके जो मुख्य आरोपी है एक नदीम और एक महिला है नीरज। ये नदीम जो है थाना कैराना से संबंधित है और ये नीरज जो है थाना खेकड़ा गांव गोखरा से संबंधित है। ये इसके मेन गैंगस्टर के मेन अपराधी है। लगभग कितने लोगों से पैसा लिया गया है? ऐसा हमारे संपर्क में तो 50 लोग तो हमारे संपर्क में आ गए, वैसे तो 300 लोगों की जो चल रही बात। तो लखनऊ में ये लोग ट्रेनिंग पे थे, कोई गांधी भवन है, हाँ तो गांधी भवन में जो है ये लोगों ने ट्रेनिंग की। वहाँ पर जो है 150 के आसपास आपस में जो ट्रेनिंग कर रहे थे तो 150 तो वहाँ पर थे और कैंक बैच इन्होंने निकाल दिए ये भी नहीं पता। तो ये ठगी तो बड़े पैमाने पर है। किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन दिया, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है, ये लोग चाहते हैं, इन लोगों को पूर्ण उम्मीद भी है कि योगी जी से न्याय मिलेगा, क्योंकि इनके साथ ये गरीब मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, इन्होंने कहीं अपनी ज़मीन बेची है, कहीं कि किसान क्रेडिट पर लोन लिया है, कहीं जो है सोसाइटी से लोन लिया है, तो उस पैसे की पूर्ति कर करके दिए, ये दर दर फिर रहे हैं। लगभग कितनी ठगी हुई है, कितने रुपए की टोटल माने हैं सबकी बात? करीब ये मानो जितने ये लोग यहाँ पर है 30 करोड़ की ठगी हम मान रहे हैं, तो करीब 30 करोड़ की ठगी इसमें हुई है जो अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रही है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार मलिक है और ब्लॉक प्रमुख हमारी मम्मी बुढ़ाना, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fadbai.tv। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।